ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಘವ. नमस्कार. ना नम आम आदमी पक्ष स्थापने वो 10 वर्ष पूरासु अदर निमित्त दशक संभ्रमाचरण नाता नम आम आदमी कचेर रक्तदान शिबिर नापड़े नम वार्ड नंबर 34 यूसुफ अवर स्वगृह ना अन्नदान तक मसूति मंदिर देवस्थान मुदे कु व्यक्ति अच्छी नम पक्षद वत अदान ना 10 वर्ष संभ्रमाचरण आचरत क्रम कईगू इवतु आ निटली कार्य प्रवृत्तर नावेलू सामान्य यूसुफर मन तेर मसूति मंदिर मंदिर मुझे कुतक व्यक्ति पाकेट निर्माणमी आ पाकेटली ना आ पाकेट जनते हँचि नमदे 10 वर्ष पूरास नम आम आदमी पक्ष ही भारत बलाढ़्यवद राजकीय पक्षा होता है. आटली इन नम पक्ष बलिष्ठ जनसाम गली अंत विचार नावेल 10 दशकद संभ्रमाचरण नावे विजयपुर नगर आचरण नानु डॉक्टर बी एम बिरादर नगर वक्तार प्रधान कार्यदर्शी एम एल ए आकांक्ष. अस्सलाम वालेकुम. नमस्ते. बीजापुर शहर में आम आदमी पार्टी का 10 साल का कार्यकाल हुआ तो 10 साल तक 10 साल से आम आदमी पार्टी बीजापुर में आम आदमी पार्टी प्रचार काम कर रही थी, ग्राउंड वर्क कर रही थी, सोशल वर्क कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता. तो आम आदमी पार्टी की स्थापना होकर 10 साल हुआ बीजापुर शहर में. तो इसीलिए हमारे आम आदमी पार्टी के मुखंड अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता मिलकर आम आदमी पार्टी के 10 साल पूरे होने की वजह से सेलिब्रेट करें, खुशी मना रहे. तो हमारा सारे आवाम से यही गुजारिश है हमारी कि जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में विदाउट करप्टेड सरकार चला रही है, जैसा पंजाब में विदाउट करप्टेड सरकार चला रही है, उसी लिए सारे कर्नाटक के लोगों से गुजारिश है हमारी कि आप आने वाले असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के सारे बहुमत से सारे MLA को जिता को लाओ और सारे कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में हमारे सारे आम आदमी की मदद करो. ये सरकार भ्रष्टाचार नहीं है और इसका नॉट करप्टेड है. ये हमारे आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाए, जैसा कि कांग्रेस सरकार 70 साल से करप्शन करे, 2G घोटाला, 4 घोटाला, उसके बाद में BJP आई, BJP को एक बार वोट दे हमें. सर आज आप क्या कर रहे हैं, 10 साल हुआ आप अभी आप क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी स्थापना होकर 10 साल हुआ बोलकर हमें खुशी का इजहार कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं खुशी का इजहार बोले तो जो भी है, जरूरतमंद है, जो भूखे लोग हैं, जो भूखे लोग हैं वो लोग को हमारे हैसियत के मुताबिक
हमारे हैसियत के मुताबिक हम थोड़ा थोड़ा उनको खाना पहुँचा रहे एक टाइम ऐसा तो किसी को खाना खिलाने की हमारी औकात नहीं है, भगवान उनका रिजल्ट है, उनके साथ में लेकर आए रहते हैं, लेकिन हमारी ये खुशी जाहिर करने का तरीका है कि हम गरीब जो जो भी ज़रूरतमंद है, अभी किसी को भी गरीब बोलना भी गलत है, ज़रूरतमंद है जो भूखे लोग आए उनको हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से सबकी मेहनत है, इसमें अध्यक्ष साहब की हमारी सारी कार्यकर्ता की तरफ से हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि बीजापुर शहर में जो भी भूखे लोग हैं वो आज आम आदमी पार्टी के 10 साल पूरे होने की वजह से हमें हमारी खुशी का इजहार करें। और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे भोगेश सर के नेतृत्व में और हमारे नैनापुर साहब के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष कंगना साहब की तरफ से ब्लड का डोनेट का भी इंतजाम किया गया था और बहुत से हजारों लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया है। तो यही कोशिश है हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि साफ सुथरी राजनीति होना। आपका नाम बोलिए सर। मोहम्मद यूसुफ।
अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।